वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर 3 अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, अब हम देखेंगे टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि जो प्रबंध में जो तकनीकें यूज़ हो रही है ना, प्रबंध की, इसके बारे में आप लोगों को बताना कि आखिर में हम लोग कौन कौन सी टेक्निक्स के तहत मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपकी बुक्स के अंदर जो है कम से कम 12 के आसपास में लिखी हुई है, जिसमें एक उद्देश्य जो एक्सप्लेन नाम लिखे हुए हैं, पर आपके बुक्स के अंदर केवल तीन ही यानी आपके कोर्स के अंदर केवल तीन ही टेक्निक्स बता रखी है। फर्स्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, सेकंड है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन यानी कि अपवाद का द्वारा प्रबंध, और थर्ड है व्यूहरचनात्मक प्रबंध यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो बाकी के ऊपर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, केवल इस अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम लोग तीन के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट जो टेक्निक आती है वो है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए, ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज दैट कि अब मैनेजमेंट इज डूइंग द फंक्शंस टू गेन समथिंग देयर गोल, यानी जो प्रबंध है वो क्या कर जाता है कि वो कुछ ऐसे गोल उसने सेट किए हैं जो कि उससे कंप्लीट करना है, उसको अचीव करना है विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मैं आपको बताता हूँ जो बात है कि इट रेफर्स टू अ फॉर्मल प्रोसीजर इन विच ईच मैनेजर एट एवरी लेवल एंड हिज इमीडिएट सुपीरियर मैनेजर जॉइंटली सेट द गोल विच द सबऑर्डिनेट्स मैनेजर इज एक्सपेक्टेड टू अटेन इन द अपकमिंग शॉर्ट पीरियड। मतलब क्या हुआ कि जो उद्देश्यानुसार प्रबंधकों तथा अधीनस्थों द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर सामान्य लक्ष्यों को निर्धारित करने, प्रत्येक व्यक्ति के उत्तरदायित्व का क्षेत्र अपेक्षित परिणामों के संदर्भ में परिभाषित करने तथा इनके आधार पर अधीनस्थों तथा उनके कार्य के प्रगति एवं परिणामों की एक समयबद्ध व्यवस्थित का मूल्यांकन करते समयबद्ध प्रणाली व्यवस्थित प्रणाली है। ठीक है, मतलब यही वाली बात सामने आ रही है कि जो आपके सब ऑर्डिनेट्स हैं और जो मैनेजमेंट है, दोनों की बात कर रहा हूँ कि मैनेजमेंट जो है और उसके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनके द्वारा कुछ गोल अचीव करने के लिए एक सेट ऑफ परफॉर्मा यानी ऑब्जेक्ट तैयार करना ही क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके अंतर्गत आगे जो इसकी जो हम लोग इसकी जो अब जो एक डेफिनेशन है जो है बाकायदा इसके द्वारा एनानी राय के अनुसार, ठीक है, या इसके अंदर एक हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन किसी की भी आपके काफ़ी सारी बुक्स के उन जो एनानी राय है उसके अनुसार कि दिस इज़ ए गोल ओरिएंटेड फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट विच एम्फेसाइज ऑन अचीवमेंट एंड रिजल्ट। कि यह क्या है कि यह प्रबंध का एक परिणाम अभिमुखी है। और देखिए, ऑब्जेक्ट जब डिसाइड होंगे तो उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए वर्क होगा, वर्क करेंगे तो रिजल्ट सामने आएगा ही आएगा। तो यह रिजल्ट ओरिएंटेड बोला गया है इसे, क्या बोला गया है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ठीक है, या टेक्निक्स। तो यह परिणाम अभिमुखी दर्शन है जो उपलब्धि तथा परिणामों पर बल देता है, यानी कि आपने क्या उपलब्धि हासिल की है और उसका रिजल्ट आपके सामने क्या है, डेट इज़ दी और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब इसका हम लोग देखते हैं नेचर यानी इसकी प्रकृति क्या है MBO की, है ना। फर्स्ट है क्या है, इट इज़ फंक्शनल अप्रोच। ठीक है, क्या है फर्स्ट इसकी, कि ये कार्यात्मक अवधारणा है जो प्रक्रिया पर जोर दे जो कि उद्देश्य निर्धारण प्रक्रिया को अत्यंत महत्व देती है। इट इज़ अ फंक्शनल अप्रोच गिविंग प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू गोल सेटिंग अप्रोसेस। ठीक है, आगे आपको समझ में आप तो ये बात तो कि आखिर में जो आपको रिजल्ट चाहिए उन रिजल्ट के लिए जो आपने ऑब्जेक्ट जो निर्धारित किए हैं वो एक तरह से फंक्शनल अप्रोच है, यानी ये क्या है उसकी कार्यात्मक अवधारणा है। सेकंड जो है वो है प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स। ठीक है, कि यह अवधारणा उद्देश्यों के निर्धारण की प्रक्रिया पर भी जोर देती है, न कि उसके क्रियान्वयन के साधनों पर। यानी मतलब क्या हुआ कि जो आपके जो गोल हैं, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको निर्धारित करने के ऊपर इसका मुख्य फोकस होता है कि हम इस साल हमारा टारगेट क्या होगा या हम इस साल क्या अचीव करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड है वो है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच।
मतलब परिणाम अभिमुखी। अब देखिए, ऑब्जेक्ट डिसाइड करने का मुख्य उद्देश्य यही क्या है कि जो आपको परिणाम चाहिए वही आपको परिणाम मिले, ठीक है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट एमबीओ, दैट व्हाट द गोल यू हैव डिसाइडेड, और ठीक है, दैट द गोल यू हैव टू अचीव एज अ रिजल्ट और इवोल्यूशन, ठीक है। मूल्यांकन में भी आपको वही रिजल्ट चाहिए जो आपने गोल सेट में किए थे, तो दैट ठीक है। और इसके अलावा यह जो विचार, यह जो कंसेप्ट है, दैट इज़ अ कंसेप्ट इज द बेस्ड ऑन इन दी ऑन द कोऑर्डिनेंस, यानी सहभागिता, यानी यानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, सभी के मिल एक तालमेल के ऊपर, सभी के एक दूसरे के जो है सहयोग के ऊपर, ठीक है। तो दैट इज़ द नेचर ऑफ MBO। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस, यानी इसके क्या लाभ हैं। अब इसकी जो लाभ हैं वो देखिए, अधीनस्थों के लिए भी है, इट मीन्स अवार्ड फॉर द सबऑर्डिनेट्स, फॉर द टॉप लेवल, ठीक है, एंड फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले जो इसके जो एडवांटेजेस हैं फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हम लोग। फॉर ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट है एफिशिएंट मैनेजमेंट, इट मींस श्रेष्ठ प्रबंधन। देखिए, उद्देश्यानुसार प्रबंध के द्वारा, यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, देखिए वापस बोलता हूँ एक बार कि MBO सर्व्स एज अ मीन्स टू डेवलप मैनेजरियल स्किल्स एंड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर। By applying these techniques, manager can easily achieve the goals of their organization as minimum cost and resources. वही वाली बात आ गई कि मैनेजमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा यदि हम MBO करते हैं तो हम लोग लो कॉस्ट के अंदर भी अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने समय से पूर्व ही उसकी प्लानिंग, ऑब्जेक्ट जो डिसाइड हो रहे हैं वो एक तरह से कहाँ डिसाइड होते हैं, मैनेजमेंट का जो फंक्शन है प्लानिंग उसी में, ठीक है। तो एक तरह से अच्छा जो प्रबंध है ना, वो किसकी मदद से हो सकता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जो कि किससे, जो कौन करता है, फॉर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है इफेक्टिव प्लानिंग। अब देखो, जो प्लानिंग हमने की है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लानिंग हमने की थी उसके अंदर यदि हम लोग बेस्ट प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्रोग्राम प्रोवाइडेड ए बेटर टू शार्प प्लानिंग बाय क्लियरली स्टार्टिंग द गोल्स, डेवलपिंग एक्शन प्लान्स एंड फिक्सिंग अप द रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो आपके सामने जो है प्लानिंग यदि अच्छी है तो आपका जो रिजल्ट है वो भी आपका अच्छा होगा। इसके बाद है क्लियरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रोल्स, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्लियरली स्टेट्स द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, स्ट्रक्चर, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब कि जो है MBO जो है वो बाकायदा क्या करता है कि ये जो आपके जो संगठन में जो विभिन्न जो भूमिकाएं हैं उनकी संरचना है, ठीक है, उनका अंदर जो अधिकार है, उत्तरदायित्व है ना, और इसके अलावा आपके जो जो संबंध है, रिलेशनशिप है, ये है ना, जो लेवल्स हैं वो सब पहले से डिफाइन कर देता है, जिससे कि गोल को अचीव करने में इजी होता है। नेक्स्ट है इंकरेजेस कमिटमेंट, ठीक है, यानी जो आपने जो MBO क्रिएट्स कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय टुवर्ड्स देयर वर्क एंड देयर गोल्स, ठीक है। जो जो उद्देश्य द्वारा, प्रबंध द्वारा जो मैनेजमेंट जो जो कमिटमेंट करता है अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को, वो उसके अंदर क्या करता है, उनको मोटिवेट करता है, ठीक है। फैसिलिटेट्स कंट्रोल। इसके अलावा जो एक और क्या है कि MBO इफेक्टिव कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज ऑन एम्प्लॉयज गोल्स, प्लान्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोग्रेस ऑफ वर्क एज परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये फैसिलिटेट्स कंट्रोल, यानी कि जो जो नियंत्रण करने के अंदर भी ये क्या करता है, आपको पहले से ही आप, क्योंकि आप प्रूफ प्लानिंग कर लेते हैं इसलिए आपको वो जो है हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर और भी हैं एडवांटेजेस ऑफ MBO टू सुपीरियर, जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इट फैसिलिटेट गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू सबऑर्डिनेट्स, कि MBO क्या करता है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको गाइड भी करता है और उनको डायरेक्शन भी देता है, ठीक है। अधीनस्थों को ये क्या करता है, मार्गदर्शन करने में आसानी होती है। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स अ बेस और साइड ऑफ इवेल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स, यानी अधीनस्थों के कार्यों का जो मूल्यांकन होना है, यानी उनका काम कैसा था, किस तरीके का था, उसको भी एक तरह से बेस मिल जाता है MBO की मदद से। इसके बाद जो नेक्स्ट है, वेयर बाय MBO सुपीरियर कैन मोटिवेट द सबऑर्डिनेट्स टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ गोल, यानी अधीनस्थों को आसानी से क्या किया जा सकता है, आप उनके गोल को सेट करने के लिए उनको मोटिवेट, अभिप्रेरित कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक और है एडवांटेजेस टू MBO टू सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये तो सुपीरियर हो गया और सबऑर्डिनेट्स, इन सब आप इसी में आप इसको भी समझ सकते हैं। अब इसके कुछ लिमिटेशन देख लेते हैं कि MBO की लिमिटेशन क्या है। देखिए फर्स्ट जो इसकी लिमिटेशन हैं वो क्या है, डिफिकल्टी ऑफ सेटिंग गोल्स, देखिए बिल्कुल सही
सही बात है, क्योंकि गोल्स यदि आपको सेट करने हैं तो आपको पूर्व में ही सारी बातों के ऊपर डिस्कशन प्लानिंग करनी होगी। जैसे कि आने वाले समय के अंदर महंगाई कितनी होगी आपको नहीं पता, तो आपको कॉस्ट के अकॉर्डिंग माल कितना लेके रखना चाहिए। आने वाले समय के अंदर जो गवर्नमेंट के साथ में जो रूल्स है, पॉलिसीज है, टेंडेंसी है, वो क्या सी होगी, क्या रहेगी, उसके ऊपर भी आपको पहले से ही डिस्कशन करना होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो आने वाले जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है, उस स्ट्रेटेजी से कैसे निपटा जाए, उसके ऊपर भी आपको पहले से ही विचार विमर्श करना होगा। तो कुल मिला के जो आपके गोल्स आपको सेट करने हैं, वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड है कि आप उन्हें कितना समझ पाते हैं और उनको कितना कर पाते हैं, ठीक है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेट क्वान्टिटेटिव मेजरेबल रियलिस्टिक वेरीफेबल गोल्स फ्यूचर अनसर्टेनिटीज एंड डिफिकल्टी इन एक्यूरेट फॉरकास्टिंग डायनेमिक एनवायरमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज नेचर ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स रिलेशनशिप एक्सेट्रा। यानी वही वाली बात है कि जो मैंने अभी बताई कि कुल मिला के इन सारे जितने भी जो इसके जो आपके बिजनेस करने के अंदर जो फैक्टर्स हैं, जो सामने आते हैं, घटक आते हैं, उन सभी घटकों के बारे में पूर्वानुमान कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट कि प्रॉब्लम ऑफ बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन। इट मींस कि टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट गोल्स बिटवीन रिसोर्सेज एंड गोल्स टू अचीव अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ MBO। यानी अल्पकालीन एंड दीर्घकालीन उद्देश्य, यानी जो आपके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट्स हैं और लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में एक तरह से कोऑर्डिनेशन बैठाना, सामंजस्य संतुलन स्थापित करना भी एक सबसे बड़ी समस्या होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो क्या है, इनफ्लेक्सिबिलिटी। इसके अंतर्गत क्या होता है कि क्योंकि आपके जो गोल्स आप हैं वो समय से पूर्व ही डिसाइड कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड योर गोल। तो जो गोल्स जो डिसाइड हुए हैं अब उनको बाकायदा जब वो रनिंग में आ जाते हैं तो उसमें किसी प्रकार का चेंजेस करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आपके गोल्स पहले से ही डिसाइड हो जाते हैं और उन गोल्स के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन समय की परिस्थिति अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड ऑल यदि उनमें कुछ चेंजेस हैं तो इसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस यानी क्या मतलब हुआ कि इसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी यानी बेलोस्ता की जो होती है वो कठिनाई इसमें आती है, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपका ये सारे, इसके अलावा ये भी इसके कुछ और भी जो लिमिटेशंस हैं वो आपकी बुक्स के अंदर मेंशन है कि जो है आपके जो लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स की, जो टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनका सपोर्ट इसमें कम मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा एक्सेसिव प्रेशर ऑन सबॉर्डिनेट्स टू अकम्प्लिश ऑब्जेक्टिव ऑन टाइम विथ नो प्रीपोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी अधीनस्थों पर अधिक समय का जो होता है दबाव बढ़ जाता है और जिससे कि प्राथमिकताएं भी तय नहीं हो पाता कि वो किस काम को पहले करें और किसको बाद में करें। ऐसे कई सारे कुछ और भी लिमिटेशन है जो आपकी बुक्स के अंदर मैंशन है, आप लोग उसे एक बार रीड कर लीजिएगा। तो यहाँ तक मैंने आपको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बता दिया है, ठीक है। वापस में एक बार रिमाइंड बोल देता हूँ, आपको रिकॉल करवाता हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबसे पहले जो उसका ऑब्जेक्ट जो डिसाइड करने का मतलब हुआ कि उसके गोल डिसाइड करना, उसका एम डिसाइड करना कि आखिर में इस बार मैनेजमेंट जो है वो करना क्या चाहता है, उसका अचीवमेंट क्या है, उसका गोल क्या है, ठीक है। उस गोल को करने के लिए जो पूर्व की जो सारी जो प्लानिंग्स हैं, ठीक है, उन प्लानिंग्स को ही जो है हम लोग मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहते हैं। यानी कि जो प्रबंध किया जा रहा है वो किसके साथ किया जा रहा है, किसी उद्देश्य के साथ में किया जा रहा है, किसी गोल को अचीव करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अब समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक्स है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन वो हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।